हे गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ सो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर फोर दैट इज़ नरेशन ये जो हम बुक कवर कर रहे हैं पलन टू पैरामाउंट इस बुक के हमने तीन टॉपिक कवर कर लिए हैं फर्स्ट था व बेसिक सेकेंड था टेंथ एंड थर्ड था वॉइस आज हम करेंगे नरेशन दैट इज़ फोर्थ टॉपिक सो so, ये फोर्थ टॉपिक अगर किसी ने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाके वो देख लें उसके बाद में इस टॉपिक पे आए क्योंकि इस टॉपिक को करने के लिए आपको वर्ब और टेंस दोनों आने चाहिए एंड uh, टेंस आने के लिए आपको वर्ब्स आनी चाहिए तो बिल्कुल ये एकदम सीक्वेंस में है सारा तो आपको चैप्टर वन से ही स्टार्ट करना है देखना और फिर इस वीडियो को जो आप में लास्ट में देखेंगे मतलब तीन चैप्टर कवरअप करने के बाद में फोर्थ चैप्टर ये देखना सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फोर जो है नरेशन लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ तो चलिए पहले आपको स्टोरी सुना देती हूँ उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं ठीक है तीन फ्रेंड्स हैं एक का नाम है आलिया एक का नाम है एली एंड एक का नाम है एनी ये तीनों एक साथ स्कूल जाती हैं ठीक है थीके? अब ये आलिया और एनी को कुछ एली को कुछ बात करनी है तो एनी जो है वो सुन रही है उनकी बातें आलिया एली को बोलती है कि वो कल स्कूल नहीं आएगी क्योंकि उसको कहीं पे जाना है तो आलिया ने अली को बोला कि मैं कल स्कूल नहीं आऊँगी मुझे कहीं जाना है और शायद मैं परसों भी स्कूल ना आऊँ क्योंकि अगर मैं कल शाम को आ गई तो मैं सुबह आ सकती हूँ परसों अगर शाम को नहीं आई रात को आती हूँ तो फिर मैं बहुत थकी होंगी तो मैं स्कूल नहीं आऊँगी ठीक है तो उसके बाद में ये सारी बातें कौन सुन रही है एनी ये सुन रही है बातें सिर्फ़ आलिया और अली के बीच में हो रही हैं आलिया उस अली को बोली कि वो स्कूल नहीं आएगी अब एनी को सेकेंड डे जो है टीचर को बताना होता है तो वो टीचर को बताएगी दो तरीके से दो तरीके हैं आनी के पास बताने के कि आलिया स्कूल क्यों नहीं आई जब टीचर ने क्लास में पूछा कि आलिया स्कूल क्यों नहीं आई और एली भी आलिया की वजह से स्कूल नहीं आई थी क्योंकि आलिया स्कूल नहीं आ रही थी, थी तो एली ने बोला मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी अब आनी को जो है बात बतानी थी टीचर को टीचर ने पूछा आलिया स्कूल क्यों नहीं आ रही तो ऑब्वियसली उसकी फ्रेंड को पूछेगी ठीक है तो ऐनी जो है वो टीचर को दो तरीके से बता सकती है एक तरीका वो बता सकती है टीचर आलिया कल अली को बोल रही थी कि मैं स्कूल नहीं आऊँगी ठीक है क्योंकि मैं कहीं जाऊँगी एक तरीका ये दूसरा वो अपने वर्ड्स में बोल सकती है कि आलिया ने अली को बोला था वो कल स्कूल नहीं आएगी क्योंकि उसको कहीं जाना है एक सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस में मैंने बोला था कि आलिया ने अली को बोला कि मैं स्कूल नहीं आऊँगी मुझे कहीं जाना है तो ये एग्जैक्ट वही वर्ड्स थे जो आलिया ने अली को बोले थे लेकिन एनी अगर टीचर को दूसरे वे में बताती है तो ऐसे भी बता सकती है कि कल आलिया एली को बोल रही थी कि वो कल स्कूल नहीं आएगी क्योंकि उसको कहीं जाना है तो ये किसके वर्ड से ये एनी के वर्ड से अब जो आलिया ने एली को बोला अगर एनी सेम वर्ड्स टीचर को बोलती है कि उसने ऐसे बोला था कि मैं स्कूल नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे कहीं जाना है उस उस बोलने के तरीके को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच मतलब बिना किसी चेंज के हमने अपने से कोई चेंज नहीं करी बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड बोले हैं जो आलिया ने एली को बोले थे तो वो होती है डायरेक्ट स्पीच लेकिन अगर एनी टीचर को बताती है कि आलिया ने एली को बोला कि वो कल स्कूल नहीं आएगी क्योंकि उसको कहीं जाना है तो ये एनी ने अपने वर्ड्स बोले हैं वो आलिया की जगह पे वो यूज़ करके और मैंने कहीं जाना की जगह उसने कहीं जाना है यूज़ करके उसने क्या किया है वर्ड्स में चेंज लाया है उसने अपनी तरफ से बोला है मतलब एक थर्ड पर्सन बात दो लोगों के बीच में हुई थी लेकिन एक थर्ड पर्सन जो है वो बता रहा है अपने वर्ड्स में तो उसको बोलते हैं इन डायरेक्ट स्पीच मतलब उसने वर्ड्स में चेंजेस लाई हैं सो so आई होप आपको इस छोटी सी स्टोरी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का समझ में आ गया होगा अगर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं चलिए आप आते हैं अपने टॉपिक पर टॉपिक में सबसे पहले यही लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच वो सेंटेंस होते हैं देखिए इसमें लिखा है इफ द सेंटेंस स्पोकन बाय द स्पीकर इज रिटन विदाउट एनी चेंज कि जो स्पीकर ने बोला उसने अगर बताने वाला उसमें कोई भी चेंज ना लाए ठीक है जो सेंटेंस स्पीकर ने बोला मतलब जो बोलने वाले जो बोला था और बताने वाला उसमें कोई चेंज ना ला करके सेम चीज़ बोल दे उसी के वर्ड्स में वो होते हैं डायरेक्ट स्पीच जैसे ये सेंटेंस है एग्जाम्पल दी हुई है राम सेज आई वर्कड हार्ड राम ने बोला मैं हार्ड वर्क करता हूँ ठीक है मैं हार्ड वर्क करता हूँ अब इसको बताने वाले ने बिल्कुल सेम बताया कि राम ने कहा मैं हार्ड वर्क करता हूँ वो तो ऐसे भी बता सकता था राम ने कहा वो हार्ड वर्क करता है मैं की जगह वो लगा देते तो फिर वो थर्ड पर्सन अपनी लैंग्वेज में बता रहा होता लेकिन ये थर्ड पर्सन जो बात बता रहा है ये उसी के लैंग्वेज में बता रहा है उसी के वर्ड्स यूज़ कर रहा है जो फर्स्ट पर्सन ने किए थे इसमें कोई चेंज नहीं लाया उसने बिल्कुल सेम बोला राम सेज़ आई वर्कड हार्ड ये हो गई डायरेक्ट स्पीच की जैसे बोला गया वैसे ही बताया गया लेकिन आगे इनडायरेक्ट स्पीच अगर बोलने वाला जो है वो बता बोलने वाले ने जो बोला और बताने वाला उसमें चेंज ला दे मतलब जो नरेट कर रहा है उसको बताने नरेटर कौन है जो बता रहा है, है ना थर्ड पर्सन तो इफ द सेंटेंस स्पोकन बाय द स्पीकर जो स्पीकर ने वर्ड्स बोले अगर नरेटर मतलब बताने वाला उसमें चेंज ला दे अकॉर्डिंग टू द रूल्स रूल्स हम आगे पढ़ेंगे उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच जैसे राम सेज़ दैट ही वर्क्स हार्ड राम कहता है कि वो हार्ड वर्क करता है वो आ गया मैं हार्ड वर्क करता नहीं हूँ वो हार्ड वर्क करता है तो यहाँ पे क्या गया? आ गया ये इनडायरेक्ट स्पीच आ गया ठीक है उसके बाद में अब इसके रूल्स पढ़ेंगे कौन से सेंटेंसेस में कैसे इसमें चेंज लाई जाती है और क्या क्या चेंज लाई जाती है क्या क्या, क्या इसके फार्मूलाज हैं सो so फर्स्ट आता है अजर्टिव सेंटेंस अजर्टिव सेंटेंस जो होते हैं इनमें क्या क्या चेंजेस आती हैं एजर्टिव सेंटेंस को है डिकलेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं मतलब किसी चीज़ को डिक्लेयर करना किसी चीज़ को स्टेट करना एजर्ट करना उसको बोलते हैं वो सेंटेंसेस होते हैं एजर्टिव सेंटेंसेज और इनको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं एग्जांपल है ही सेज़ आई वर्कड हार्ड ये तो डायरेक्ट स्पीच है ठीक है ये डायरेक्ट स्पीच है लेकिन आगे देखिए ही सेज़ दैट ही वर्कस हार्ड ये आ गई इनडायरेक्ट स्पीच इसको कैसे चेंज किया रूल फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट इन टू इन स्पीच क्या है फर्स्ट कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमाज आर रिमूव्ड एंड कंजक्शन दैट इज़ यूज बाई द प्रोनाउन चे चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्ट स्पीच में कॉमा लगा होता है यहाँ पे सेस के बाद में और ये जो बाकी का पार्ट है चलिए पहले आपको ये समझा देती हूँ जो हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था इसको मैंने आपको बताया नहीं जैसे ये ये आपका किसका एग्जाम्पल uh, है ये है डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है Uh, जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद में जो वर्ब होती है सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब होती है उसके बाद में कॉमा लगा होता है और आगे का सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास में होता है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे है ठीक है सब्जेक्ट और जो वर्ब लगा है ना उतने से पोर्शन को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और बाकी का जो पोर्शन है जो इन्वर्टेड कॉमास में है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच ठीक है याद रखिए जो इन्वर्टेड कामा से पहले और सिंगल कॉमा से पहले वाले वर्ड्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के बाद में सेज सेड ऐसे कुछ लिखा होता है वो होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाला सेंटेंस होता है वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच तो अब यहाँ पे देखिए जो रिपोर्टेड वर्ब के बाद में कॉमा और रिपोर्टिंग स्पीच जिन इन्वर्टेड कॉमास में है पहले तो ये हटाई जाती है इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए इनको हटा करके इनकी जगह पे कौन सा कंजक्शन यूज होता है दैट ठीक है जैसे यहां पे देखिए ही सेज आगे क्या यूज हुआ That, inverted commas, हट है ठीक है दैट यूज हुआ और उसके बाद में जो रिपोर्टेड uh, स्पीच का सब्जेक्ट होता है उसको चेंज किस में किया जाता है प्रोनाउन में यूज किया किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे कि डायरेक्ट स्पीच में जो सब्जेक्ट होगा जैसे यहां पे ही है तो ही की जगह कौन सा प्रोनाउन uh, ही खुद ही प्रोनाउन है तो प्रोनाउन लगेगा अगर किसी लड़के का नाम है तो भी ही लगेगा या हिज लगेगा ठीक है अगर लड़की का नाम है हर और शी लगेगा तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन यूज होता है दैट के बाद में ठीक है पहला रूल ये दूसरा रूल है प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल अब कौन कौन से रूल्स हैं प्रोनाउन को चेंज करने के प्रोनाउन किन किन रूल से चेंज होता है वो देखेंगे सो so, उसके लिए आपको क्या याद रखना है एक छोटी सी ट्रिक है वन टू थ्री एस एन एस एन वन टू थ्री ये याद रखना है ठीक है एस एन सन वन टू थ्री ये याद रखेंगे सन एस क्या है सब्जेक्ट ओ क्या है ऑब्जेक्ट एंड एन क्या है नो वन टू फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन ये याद रखेंगे फर्स्ट पर्सन में आ जाता है आई वी सेकेंड पर्सन में आ जाता है यू थर्ड पर्सन में आ जाता है ही शी इट दे ठीक है एग्जाम्पल है जैसे ही सेज़ आई वर्कड हार्ट इन्वर्टेड कॉमर्स और कॉमा हटा करके क्या लगता है दैट लगता है अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट ठीक है आई है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई किस में चेंज हो जाएगा ही लड़के की बात हो रही है तो लड़के की ही ही ऑलरेडी क्या है लड़के की बात हो रही है ये ऑलरेडी प्रोनाउन में है ठीक है तो इसको प्रोनाउन इसका जो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्या चेंज होगा इसमें आई में ही ठीक है ही सेज दैट ही वर्क हार्ड उसके बाद में ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड उसने मुझे कहा तुम हार्ड वर्क करते हो ठीक है अब इसमें सेकेंड पर्सन है यू ये भी क्या होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्या है मी तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा आई यू की जगह आई लग जाए ही सेज टू मी आई वर्कड हार्ड दैट आई वर्कड हार्ड ठीक है उसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए ही सेज टू मी शी वर्कड हार्ड तो यहाँ पे ही सेज़ टू मी शी वर्क डार्ट ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्या था ये थर्ड पर्सन था थर्ड पर्सन था तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं, हो नहीं होता है उसने मुझे कहा उसने मुझे कहा उसने मुझे कहा बात किसकी चल रही थी तीसरे बंदे की चल रही थी कि वो हार्ड वर्क करता है थर्ड पर्सन ना था ठीक है तो यहाँ पे थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा थर्ड पर्सन जो एज इट इज आएगा अगर वो अपनी बात कर रहा है तब भी चेंज होगा अगर वो जिसको जिसको बता रहा है उसकी बात कर रहा है मतलब जो सेकेंड पर्सन होगा उसकी बात कर रहा है तब भी चेंज होगा लेकिन अगर वो थर्ड पर्सन की बात कर रहा है किसी तीसरे बंदे की बात कर रहा है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा इसलिए आपको याद रखना है एस वन वन टू थ्री आगे थर्ड रूल क्या है से सेड रिमेन अनचेंज इन डायरेक्ट स्पीच अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में आपकी जो डायरेक्ट स्पीच होती है अगर उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आपका से या सेड है तो वो अनचेंज रहता है वो चेंज नहीं होगा लेकिन अगर से टू है तो वो टेल तो में चेंज हो जाएगा सेड तो टू है तो टोल्ड में चेंज होगा याद रखना अगर आपकी इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट स्पीच में से है या फिर सेड है तो वो ऐसे ही रहेगा लेकिन अगर से टू है तो टेल में चेंज होगा अगर सेड टू है तो टोल्ड में चेंज होगा ठीक है क्योंकि टेल का पास क्या होता है टोल्ड एंड से टू का पास क्या होता है सेड टू ठीक है इस हिसाब से ये चेंज हो जाएगा उसके बाद में जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए यहां पर एग्जाम्पल है ही सेज टू मी यू वर्कड हार्ड तो ही सेज टू किस में चेंज होता है टेल्स ही टेल्स मी कॉमर्स इन्वर्टेड कॉमर्स लगा यू क्या था दो बंदों की बात चलिए सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा किस में क्या आएगा आई वर्कड हार्ड ठीक है hard, उसके बाद में नोट है कि यहां पर टू इज़ नॉट यूज आफ्टर टेल एंड टोल्ड टेल और टोल्ड जहाँ पर आपने टेल लिख दिया और टोल्ड लिख दिया अगर आपने उसको डायरेक्ट uh, को इंडायरेक्ट कर, कर, करने के लिए वहाँ पर टू यूज नहीं होगा उसमें ठीक है उसके बाद में एंड ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर टेल एंड टोल्ड इन द सेम वे सेम वे ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड फॉर बेड विल बी फॉलोड बाई द ऑब्जेक्ट अगर आफ्टर के बाद में आफ्टर या टोल्ड के बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है तो वो ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड फॉरवर्ड जो भी उसमें किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस अगर कोई किसी को रिक्वेस्ट हमें शो रही है कि रिक्वेस्ट की जा रही है तो हम रिक्वेस्टेड लिखेंगे अगर हमें लग रहा है ऑर्डर किया जा रहा है तो ऑर्डर लिखेंगे अगर हमें लग रहा है फॉरवर्ड किया जा रहा है तो फॉरवर्ड लिखेंगे जैसे एग्जाम्पल है Uh, पहले यहाँ पे देख लीजिए रूल नंबर फोर इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस अगर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है ये वाला ये वाला पार्ट जो होता है ना रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं आएगा रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं आएगा जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए ही सेज आई कम हेयर ही सेज आई कम हेयर तो हमारी जो रिपोर्टेड वर्ब है वो प्रेजेंट में है ही सेज सेड नहीं है सेड तो पास्ट होता से है ठीक है तो हमारे जो है रिपोर्टेड uh, स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा सिर्फ क्या चेंज होगा कॉमर्स को हटा करके दैट लगेगा और ये आई यहाँ पर है तो ये फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है आई मतलब फर्स्ट पर्सन अपनी बात कर रहा है तो यहाँ पे बस ये चेंज होगा और उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ही सेज दैट ही कम्स हेयर उसके बाद में रूल नंबर फाइव लेकिन मैंने आपको बोला कि अगर पास्ट में होगा अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो उसमें चेंज आएगा लेकिन कहाँ पर चेंज नहीं आएगा उसमें भी अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है मतलब जो सच है कोई फैक्ट है ठीक है यहाँ कोई फ्रेज है ईडियम है हेबिचुअल एक्शन है जिसे जिसे करने की हमें आदत है या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं आएगा जैसे ये एग्जाम्पल देख लीजिए ही सेड अब यहाँ पे सेड है तो मतलब हमारा रिपोर्टेड स्पीच uh, तो पास्ट में था इट मीन्स रिपोर्टेड वर्ब जो पास में था तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज आना चाहिए था लेकिन रिपोर्टेड स्पीच है क्या द सन इज अ स्टार तो ये क्या है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा ठीक है कि रिपोर्टेड uh, वर्ब uh, जो सेड पास में था तो इसमें वॉज होना चाहिए था पर इसमें वॉज नहीं होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है यूनिवर्सल ट्रूथ वॉज में कैसे होगा वो तो अभी भी है ठीक है वो तो चलता रहेगा थ्रू आउट सो ही सेड दैट द सन इज अ स्टार सो सिर्फ इन्वर्टेड कॉमर्स हटा करके दैट लगेगा बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा उसके बाद में रूल नंबर सिक्स है रूल नंबर सिक्स है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास में है मतलब सेड में है ठीक है या टोल्ड में है तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच होता है अगर वो ईडियम नहीं है कोई फ्रेज नहीं है कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कोई हैबिचुअल एक्शन नहीं है कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है सिंपल सेंटेंस uh, है तो वो जो है उसमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच वो चेंज हो जाता है ठीक है जैसे ही सेड आई केम हेयर येस्टरडे अब इसमें क्या बोला कि उसने कहा था वो uh, कल आए मतलब पिछले कल आया था ठीक है पिछले कल आया था जब ये बंदा बात बता रहा है तब वो पास्ट में हो चुकी है बात पास्ट में हो चुकी है तो येस्टरडे को हम प्रीवियस डे में कन्वर्ट करते हैं एंड यहाँ पे पहले चेंजेस देख लीजिए किस टेंस के हिसाब से कौन सा जो है चेंज आता है उसमें अगर आपका जो रिपोर्टेड वर्ब अगर मतलब आपका सिंपल प्रेजेंट में है तो वो चेंज होगा सिंपल पास्ट में मतलब उसमें साथ उसके साथ में डेड लगेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ डेड में एंड सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा हैड प्लस वी थ्री जैसे ये हैड लग गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ठीक है और परफेक्ट जो है वो किसी में भी चेंज नहीं होगा नो चेंज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है इज एम आर वो पास्ट कॉन्टीनस में वर में चेंज हो जाएगा पास परफेक्ट कॉन्टीनस में हैडबिन में चेंज होगा और आगे नो no चेंज उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीनस जो है पास परफेक्ट पास परफेक्ट कॉन्टीनस में चेंज होगा मतलब हैड आएगा वो हैज हैव की जगह पे और उसके आगे नो चेंज सो उसके बाद में देखिए मॉडल्स है, जो हैं मॉडल्स क्या किस में चेंज होता है विल जो है शुड वुड में चेंज होता है मे जो है माइट में चेंज हो जाएगा कैन कुड में चेंज हो जाएगा चेंज इन टाइम एंड प्लेस टाइम किस में मतलब कोई जगह के बारे में बात करें कोई टाइम की अगर टू होगा तो वो दैट डे में जो है चेंज होता है टुमारो जो है नेक्स्ट डे में नेक्स्ट डे में चेंज होगा येस्टरडे आपका प्रीवियस डे या द डे बिफोर में चेंज होता है जैसे पीछे हमने एग्जाम्पल पढ़ी टू जो है दैट नाइट में चेंज होगा लास्ट जो है प्रीवियस प्रीवियस में चेंज होगा हेयर देयर में चेंज होगा दिस दैट में चेंज होता है दीज दोज में चेंज होता है एगो बिफोर में चेंज होता है नाव दम में चेंज होता है ठीक है ये आपको याद रखना है इसको लर्न करना है उसके बाद में आता है एग्जाम्पल्स देखिए ही सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम अब ही सेड सेड टू होता तो टोल में चेंज होता लेकिन सेड है तो सेड ही रहेगा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा करके दैट लगा दिया अब आई है yes, इसमें और आई कौन था ये शी आई आई किसकी बात कर रही है शी यहाँ पे क्या लग जाएगा प्रोनाउन शी ही लगेगा कैन नॉट कैन कैन क्या है मॉडल है कैन का हो जाता है कुड नॉट कुड नॉट हेल्प अब यू कौन था यू मतलब जिससे बात कर रहा है वो मतलब अब ये जो बता रहा है उसके बारे में बात थी तो यू के जगह पे आ जाएगा मी एट दिस दिस टाइम किस में चेंज होता है दैट टाइम में दैट टाइम में चेंज होता है जो हमने ये वाले पैराग्राफ में पढ़ा है तो इसको अच्छे से पढ़ लेना सेकेंड देखो ही सेड टू मी ही सेड टू किस में चेंज होता है टोल्ड में इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा करके दैट लगता है आई कौन था ये आई ही है ये अपने बारे में बता रहा है तो ही लग जाएगा यहाँ पे शेल कम शल कम शैल किस में शैल शुडिए वुड में चेंज होता है तो वुड आ जाएगा ही वुड क्योंकि आई के साथ शैल लगता है तो ही के साथ शुड तो नहीं लगेगा ही शुड ठीक है इसका क्या लगेगा ही वुड कम टू मीट अब ये यू कौन था जिसको वो बता रहा था जो बता रहा है तो वो मी आ जाएगा यहाँ पर यू की जगह में मी टूमो किस में चेंज होता है नेक्स्ट डे में चेंज होता है उसके बाद में अगेन थर्ड देखिए राम सेड तो राम सेड ही रहेगा क्योंकि सेड टू नहीं है इन्वर्टर कॉमर्स को हटा करके दैट लगा दिया ये आई कौन है आई राम है राम कौन है लड़का तो यहाँ पर प्रोनाउन आ जाएगा ही हैव नॉट किस में चेंज होता हैड नॉट में हैड नॉट टेकन एनी एग्जाम दिस ईयर का आ जाएगा दैट ईयर बट आई आई कौन है ये राम है तो आ जाएगा ही इंटेंड का इंटेंडेड वी थ्री टू टेक टू एग्जाम्स इन नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर ही रहेगा ठीक है ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स है आगे भी देख लीजिए ये एग्जाम्पल्स आपको पढ़नी है फोर और फाइव भी आपको पढ़ लेना इसमें कोई डाउट होगा तो आप मेरे को बता सकते हो उसके बाद में हम पढ़ते हैं इंटारोगेटिव सेंटेंसेज के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में क्या क्या चेंजेस आती हैं सो देखिए इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें ये वाला साइन होता है मतलब आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो या कोई किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ही सेड टू मी आर यू कमिंग ही सेड टू मी आर यू कमिंग तो अब देखिए सेड टू यहाँ टोल्ड में नहीं चेंज होगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है तो ये रूल्स पहले पढ़ ले पढ़ते हैं हम उसके बाद में हम ये वाले एग्जांपल्स कवर करेंगे ठीक है रूल नंबर वन बोलता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए कि जो सेड टू होता है वो आस्कड में आस्क में या क्वेश्चन में क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है और आस्क भी पूछना होता है क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पूछना इंक्वायर मतलब किसी से इंक्वायरी करना इंटेरोगेटेड मतलब किसी से पूछना सबका मतलब किसी से पूछना होता है तो हम सेडे टू की जगह इनको यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क जो है ये वाला क्वेश्चन मार्क जो साइन इसमें बना हुआ है ठीक है शुड बी चेंज इन टू फुल स्टॉप जब इसको इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हटा करके हमें फुल स्टॉप लगा देना है थर्ड जो है द सेंटेंस विल नॉट बी इंटेरोगेटिव फॉर्म इन डायरेक्ट स्पीच दिस मीन्स दैट हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज आफ्टर द सब्जेक्ट अब इसमें क्या बोला गया है अब देखिए जब इंटेरोगेटिव uh, सेंटेंस आता है तो आपका जो वर्ब होता है आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपकी सब्जेक्ट से पहले आती है क्योंकि वो क्वेश्चन होता है ना इसीलिए लेकिन जब इंडायरेक्ट uh, स्पीच में उसको हम इंटेरोगेटिव से ये क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप लगाते हैं वो सिंपल सेंटेंस बन रहा है ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के बाद में यूज़ होगी रूल नंबर फोर टेंस एंड प्रोनाउं शेल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल जिस जिस टेंस uh, में सेंटेंस होगा उसके हिसाब से प्रोनाउन और टेंस जो है वो चेंज होंगे रूल नंबर फाइव है कि अगर क्वेश्चन जो है इफ़ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन यस नो अगर क्वेश्चन येस नो वाला है जिसको हम येस yes, नो no में आंसर कर सकते हैं तो जो उसमें कौन सी कंजक्शन यूज़ होगी इफ़ या वेदर दैट जो उसमें यूज़ कर रहे थे हम कंजक्शन उसकी जगह पे इफ़ या वेदर यूज़ होगा इफ़ द क्वेश्चन इज डब्ल्यू एच फैमिली से अगर क्वेश्चन है मतलब हु वॉट वेन ये है तो कंजक्शन जो है नो कंजक्शन विल बी यूज तो उसमें कोई भी कंजक्शन यूज़ नहीं होगा ठीक है अब पहले ये वाली एग्जाम्पल्स करते हैं जो यहाँ पे टेबल में यूज़ हुई थी जैसे ही सेट टू मी सेड सेट टू की जगह हमने बोला था आस्क क्वेश्चन ये यूज़ होता है तो यहाँ पे ही सेड ही आस्क मी लगेगा आर यू कमिंग यस नो वाला है ना यस भी बोल सकते हैं नो भी बोल सकते क्या तुम आ रहे हो तो हाँ यह नाम में जवाब देना है तो ये क्या आ गया यहाँ पे इफ या वैदर लगाएंगे इफ आई वॉज कमिंग या वैदर आई वॉज कमिंग ये यूज होगा ठीक है बाकी ही सेट टू मी आस्कर टू मी वेन आर यू कमिंग आप कब आ रहे हो ये डब्ल्यू एच फैमिली से है, यहाँ पे कोई भी कंजक्शन यूज नहीं होगा ही आस्क मी वेन आई वॉज कमिंग सिंपल आएगा इसमें दैट या कोई और कंजक्शन यूज नहीं होगा ठीक है ये रूल्स थे उसके बाद में कुछ एक दो एग्जाम्पल हम यहाँ से रीड कर लेते हैं बाकी आप जो खुद देख लेना एग्जाम्पल वन देखिए ही सेड टू मी डू यू नो मी डू यू नो मी अगर मैं आपसे पूछू डू यू नो मी आप येस और नो में आंसर कर सकते हैं मतलब ये येस नो वाली फैमिली से आ रहा है ही सेड टू मी सेड मतलब इसमें ये क्वेश्चन मार्क वाला है तो आर्क लिखेंगे हम ही आर्स्क मी इफ या वेदर वेदर आई न्यू यू इफ़ आई न्यू यू न्यू हिम ठीक है ऐसे आपको ये तो पता ही है कि मी को किस में चेंज करना है या ही इधर है तो इधर क्या लगेगा ठीक है क्वेश्चन नंबर टू ही एग्जाम्पल नंबर टू ही सेड टू हिम वॉट आर यू डूइंग नाउ

अभी इसे इसमें देखिए शी सेड नो no, और उन्होंने कहा नो तो इसको कैसे चेंज करेंगे ही आस्कर हर रिस्पेक्टफुली पूछा है मैडम कैन आई हेल्प यू रिस्पेक्टफुली पूछा गया इफ ही कुड हेल्प हर शी आंसर्ड इन द नेगेटिव अब इसकी एक्सप्लेन सो so, देखिए यहां पर क्या है अब यहां पे जब हम आपको याद रखना है जब आ, आपका जो रिपोर्टेड रिपोर्टिंग रिपोर्टेड वर्ब जो है अगर आप रिपोर्टेड वर्ब के बाद में ये जो लगा हुआ है जैसे यहाँ पे इसमें पूछा था मैडम मैडम योर ऑनर सर या ऐसे कोई रिस्पेक्टेड वर्ड आप डायरेक्ट स्पीच में यूज़ करते हैं तो आपको इनडायरेक्ट में उसको रिस्पेक्टफुली से रिप्लेस कर देना है ठीक है रिस्पेक्टफुल लगा के आपको रिप्लेस कर देना है मतलब वो मैडम सर को रिप्लेस कर सकते हैं रिस्पेक्टफुली लगा कर अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में जो है डार्लिंग डियर माई बिलव्ड या ऐसे अफेक्शन वाले वर्ड्स uh, यूज हुए हैं तो आपको उसको लविंगली या अफेक्शनेटली लगा करके रिप्लेस कर देना है अगर आपके आंसर्स जो हैं यस नो वाले हैं तो वहाँ पे जो है वो आंसर किस में चेंज होगा अफर्मेटिव आंसर्ड या अगर कोई आपको आंसर कर रहा है तो उसको आंसर्ड में चेंज uh, करेंगे या अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे ठीक है उसके बाद में आता है एम्पेटिव सेंटेंस एम्पेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं मतलब सिंपल सेंटेंसेस ठीक है सिंपल सेंटेंसेज होते हैं अफर्मेटिव एम्पेटिव सेंटेंस जैसे इसमें देखिए ही सेड टू मी गो अवे ही ऑर्डर आप पहले रूल्स पढ़ेंगे उसके बाद में इसको करेंगे इसका रूल नंबर वन है कि इसमें जो एम्पेटिव uh, सेंटेंसेज होते हैं सेड टू को चेंज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें आप किसी को रिस्पेक्ट करते हैं जैसे ऐसे शो हो रहा है किसी को ऑर्डर कर रहे हो शो हो रहा है किसी को सुजस्ट uh, कर रहे हो किसी को uh, जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हो वैसे वो वाले होते हैं एम्पेटिव सेंटेंस तो इसमें आपको वो शो करना है जो आपको सेंटेंस में शो हो रहा होगा वो आपको लिखना है कि उसमें कोई ऑर्डर था उसने कोई रिक्वेस्ट करी उसने कोई सुजेशन दी वो आपको लिखना है जैसे ये देखिए उसमें क्या होगा आपको सेट टू को रिप्लेस करके ऑर्डर रिस्पेक्टेड फॉरबेड सुजेस्टेड या जो भी उसमें हो रहा है वो आपको लिखना है फिर कंजक्शन जो इसमें टू उसको रिप्लेस कर देंगे कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा से टू को चेंज करके टू मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करके आप क्या दैट नहीं लगाओगे टू लगाओगे टू जो है वो वर्ब uh, की फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करेगा मतलब टू के बाद जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और कोई फॉर्म नहीं लगेगी और रूल नंबर फोर है टेंस और प्रोनाउन जो है वो अकॉर्डिंग टू द रूल ही चेंज होते हैं कि जिसमें आपका सब्जेक्ट होगा उस उस हिसाब से रूल के हिसाब से जैसे अभी एग्जाम्पल देख लीजिए ही सेड टू मी गो अवे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है हमें कोई बोले यहाँ से जाओ मतलब कोई हमें ऑर्डर दे रहा है है ना ही सेड टू मी सेड टू किस में चेंज हो गया यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर में चेंज हुआ मी अब इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर लगता है टू और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज गो अवे ही ऑर्डर मी टू गो अवे उसके बाद में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो देख लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल है शी सेड टू मी डू नॉट कम हेयर तो फॉरबेड भी बोल सकते हैं हम इसमें या इसमें भी हम ऑर्डर्ड uh, बोल सकते हैं शी ऑर्डर्ड मी टू कम देयर डू नॉट कम देयर टू कम देयर टू नॉट कम देयर टू नॉट कम देयर आएगा यहाँ पर ठीक है टू नॉट कम देयर शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू हाँ जैसे ये वाला सेंटेंस जो है ये करेक्शन इसमें करिए कि कम देयर या नॉट कम देयर इस हिसाब से आपको अरेंज करना है ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ तो ये क्या किसको बुलाओ पहले गवाही को बुलाओ ऑर्डर करा गया तो यहाँ पे आएगा ही ऑर्डर दैम टू अब टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कॉल द फर्स्ट वर्डनेस देन नाउ किस में चेंज होता है देन में चेंज होता है बाकी के एग्जाम्पल्स रीड करना कोई इसमें डाउट होगा तो पूछ सकते हो उसके बाद में आ जाता है आपका एक्सक्लेमेटरी sentences एक्सक्लेमेटरी sentences होते हैं जिसमें आपका गुस्सा जिसमें आप एक्सक्लेम exc, कर पाते हो गुस्सा हो शॉक हो सरप्राइज हो आ, या फिर एंग्री हो वो चीज़ें जैसे आ, कुछ हो जाए हमें कोई सरप्राइज़ मिले तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं वाह है ना अगर हमें गुस्सा आ जाए तो हम कैसे आ, वो करते हैं एक्सक्लेम करते हैं या फिर हम सैड हो तो कैसे करते हैं ओ है ना इस तरीके से तो वो एक्सप्रेशंस जो आपके होते हैं वो आपको लिख के दिखाने हैं तो जैसे ये फर्स्ट पहले रूल्स पढ़ते हैं जैसे सैड प्लस अलाज अलाज किसका एक्सक्लेम होता है सौरो का ना तो ये चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम विद सौरो जब कुछ बुरा होता है तो हम ऐसे बोलते हैं ना तो इस, इसके इसको चेंज करके हम क्या लिखेंगे एक्सक्लेम विद सौरो अगर आपका सेट प्लस हुर्रे हुर्रे किसके लिए होता है जब हम बहुत खुश होते हैं हिप हप हु करते हैं जब ठीक है तो आपको हुर्रे प्लस सेट प्लस हुर्रे को चेंज कर देना है एक्सक्लेम विद जॉय सेट प्लस ओ, या फिर फाय तो इसको किस में चेंज करते हैं डिस्पाए या है, डिजस्ट में सेड प्लस वाओ तो सरप्राइज होता है तो एक्सक्लेम विद जॉय या एज सरप्राइज भी लिख सकते हैं ठीक है सेड ओ तो ये कब होता है ओ भी हम सरप्राइज या किसी चीज़ के रिग्रेट के लिए कोई हमसे गलती हो जाती है तो हम बोलते हैं ओ ये क्या हो गया है ना तो उसके लिए हम क्या सरप्राइज या रिग्रेट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम देख सकते हैं कि उसमें क्या हो रहा है आगे उसके हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे और इसमें जो टेंस प्रोनाउन होते हैं वो किसके हिसाब से चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए शी सेड अलाज एम अंडन अब सेड प्लस अलाज हमने देखा था यहाँ पर किसमें चेंज होगा एक्सक्लेम विद सोरो शी एक्सक्लेम विद सोरो अब इन्वर्टेड कॉमर्स uh, का हटा करके लगता है दैट आई को uh, हटा करके कर लगता है शी जो कि फर्स्ट पर्सन है अभी uh, ये सेड पास्ट में था तो आई uh, एम की जगह लग जाएगा वॉज अंडन ठीक है उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ से देखते हैं कुछ एग्जांपल्स एग्जाम्पल नंबर वन देखिए शी सेट ये जीत गए तो ये खुश हैं सेट प्लस हुए किसमें चेंज होता है एक्सक्लेम विद जॉय शी विद जॉय इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा करके दैट वी किसमें चेंज होगा दे में हैव किस में चेंज होता है हैड में वॉन किस में चेंज होगा वॉन वॉन रहेगा दिस मैच का दैट मैच ठीक है जब आप सारी ये चीजें माइंड में रखोगे ना स्टार्टिंग में जो आपने ये दैट दा, दिस दैट में चेंज होता है येस्टर डे प्रीवियस डे में चेंज होता है तो ये जब आपके माइंड में एकदम टिप्स पे हो जाएंगे ना तो आपको आपको वर्ड देखते ही समझ आ जा जाएगा यहाँ पे क्या यूज होना है ठीक है एग्जाम्पल नंबर टू शी सेड हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन ब्यूटीफुल मतलब हम खुशी से कोई चीज़ चीज़ हमें सुंदर लग रही है तो हम क्या करें उसकी प्रेस करें खुशी से करें शी एक्सक्लेम विद जॉय अभी इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा करके दैट द रेन वॉज वेरी ब्यूटिफुल अवॉज क्यों लगा क्योंकि ये सेड में था तो यहाँ पर इसकी जगह वॉस लग जाएगा वैसे ही ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनको रीड आउट कर लेना इसके रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो उसके बाद में आता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप किसी को विश देते हैं किसी के लिए प्रे करते हैं ठीक है वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे में गॉड ब्लेस यू ब्लेस्ड ठीक है या फिर किस, आ, आप किसी को बर्थडे विश करते हैं या मॉर्निंग विश करते हैं आफ्टरनून विश करते हैं वो सारे किस में आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं तो रूल्स पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के फर्स्ट रूल है सेड किस में चेंज होता है विश या प्रे जो उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि किसी को विश हो रही है या किसी के लिए प्रे की जा रही है या किसी को प्रे की जा रही है तो सेड जो है वो विश्ड और प्रेड में यूज होगा कंजक्शन दैट लगेगा मतलब इन्वर्टेड uh, कॉमर्स को रिमूव करके टेंस अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंस चेंज होगा सबसे इजी है ये इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है ठीक है बस आपको तीन रूल याद रखने हैं उसके बाद में चलिए फर्स्ट देखिए ही सेड मे गॉड ब्लेस यू सेड किस में चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द हमने देखना है इसमें क्या हो रही है मे गॉड ब्लेस यू प्रे कर रहे हैं ना या विश्ड भी लिख सकते हैं विश्ड ही विश्ड दैट गॉड मे किस में चेंज होता है माइट में चेंज होता है ब्लेस ये ही अपनी बारे में बात कर रहा है तो यू की जगह मी आ जाएगा ही सेट मे गॉड पार्डन है तो शी प्रेर दैट गॉड माइट पैडन है ठीक है सेकेंड देखिए दे सेट लॉन्ग लॉन्ग लिव द किंग दे प्रेयर दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग सो ये थे कुछ इसके एग्जाम्पल्स आप कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके जैसे फर्स्ट वन है सो रूल नंबर वन में क्या बोला गया है अगर किसी भी डायरेक्ट स्पीच में नीड नॉट यूज़ टू वुड रैदर वुड बेटर हैड रैदर हैड बेटर आर नॉट ये चेंज नहीं होंगे डायरेक्ट स्पीच में अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो ये वैसे के वैसे रहेंगे इनमें कोई चेंज नहीं आएगा तो ये इनको माइंड में रखना है नीड नॉट यूज़ टू वुड रैदर वुड बेटर हैड रेदर हैड बेटर ये चेंज नहीं होंगे डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं एग्जाम्पल देख लीजिए ही सेड आई यूज़ टू गो टू द स्कूल बाय बस ही सेट दैट ही यूज टू गो टू द स्कूल बाय बस इसमें क्या यूज हुआ है यूज टू यूज टू यूज टू ही रहा इसमें कोई चेंज नहीं आया है देख सकते हैं ठीक है सेकेंड रूल है कि अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज हुआ है टाइम क्लॉज के साथ में तो टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा जैसे एग्जाम्पल है ही सेट टू मी वाइल आई वॉज स्टडिंग यू आर प्लेइंग ठीक है तो ही टोल्ड मी दैट वाइल ही वॉज स्टार्टिंग आई वॉज प्लेइंग इसमें क्या बताया गया टाइम क्लॉज बताया गया इसमें कोई चेंज नहीं आएगी उसके बाद में रूल नंबर थ्री रूल नंबर थ्री है कि जो टाइम क्लॉज है अगर पास्ट एंड डेफिनेट में है मैंशन किया हुआ तब भी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा टेंथ में जैसे एग्जाम्पल है ही सेट वेन आई मैट हिम शी वॉज प्लेंग इसमें ही सेट इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके दैट वेन ही मैट हिम शी वॉज प्लेइंग कोई चेंज नहीं हुआ है बस सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनमें चेंज हुआ है उसके बाद में रूल नंबर फोर देखिए रूल नंबर फोर है कि अगर पास्ट एंड डेफिनेट यूज हुआ है किसके साथ में साइमल्टेनियसली एक्शन हो रहे हैं कोई भी दो साइमल्टेनियस मतलब एक के बाद एक एक्शन हो रहा है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा जैसे शी सेड आई प्रिपेयर द टी एंड ही फ्राइड द चिप्स दो काम हो रहे हैं वो चाय बना रही है मतलब मैं चाय बना रही हूँ और वो क्या कर रहे थे चिप्स फ्राइड कर रहे थे शी सेड दैट शी प्रिपेयर द टी एंड ही फ्राइड द चिप्स इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है बस इसमें आपके ये आई शी में चेंज हो गया एंड बाकी सेम ही है ठीक है रूल नंबर पॉइंट नंबर फाइव इन केस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट uh, अगर होंगे तो उनमें भी टेंस में कोई चेंज नहीं होता जैसे गांधी स्टार्टेड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट ही सेट दैट गांधी स्टार्टेड द क्वाइट कोई चेंज नहीं हो सिर्फ दैट लगा ठीक है विल शेल जो है वो चेंज होते हैं वुड और शुड में लेकिन अगर स्टेटमेंट विल शेल जो है वो किस में चेंज होती है शुड में अगर स्टेटमेंट सुजेस्टिव है मतलब हम किसी को कुछ सुजेशन दे रहे हैं जैसे ही सेड आई शेल कम टूमोरो ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे तो यहाँ पे शेल की जगह पे वुड लग गया है ठीक है सेवेंथ रूल है मॉडल विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू तो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस मॉडल जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा जो सेंटेंस का मतलब होगा उसके अकॉर्डिंग जैसे फर्स्ट है शी सेड इफ आई गेट सिलेक्टेड आई नीड नो तो टू टेक एनी एग्जाम फर्दर शी सेड इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा करके दैट इफ अब आई की जगह पे लग गया शी गॉट सिलेक्टेड अब आई की जगह पे फिर शी लगेगा शी वुड नॉट हैव टू टेक एनी एग्जाम फर्दर ठीक है तो ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसके बाद में ये कुछ प्रैक्टिस सेट है जो मैं स्क्रॉल करके आपको बता दे, बता देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए आप फाइंड आउट ना करो कहीं और यहीं से क्वेश्चंस लेकर के सेंटेंस लेकर के इनको जो है सॉल्व करने की कोशिश करो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिस सेट जो है आपको पूरा सॉल्व करके दूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना उसके बाद ही मैं ये वीडियो लेके आऊँगी अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी इसका मतलब फिफ्थ चैप्टर जो आपका है वो कराऊंगी सो so, आपके लिए एक बार ये स्क्रोल डाउन कर लेती हूँ ताकि आप इसको पॉज करके या स्क्रीन शॉट लेकर के आपके लिए ईजी हो जाए फाइंड आउट करना सो so, अगर आपको ये रूल समझ में आ गए या एक ही बार में आपको नहीं आएंगे तो आप ट्राई कीजिए कि इनको किसी भी नोटबुक पे नोट डाउन कर लें या फिर अपने शॉर्ट नोट्स बना करके अपने सामने कहीं रखें रूल्स को बार बार देखते रहें जब भी आपके पास टाइम हो आप इनको ज़रूर देखें उसके बाद ये आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे ये इसके कुछ जो हैं प्रैक्टिस सेट्स हैं जिनको आप यूज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है अगर आप चाहते हैं मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊँ तो कमेंट ज़रूर करना या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर देना जो कि इसी नाम से है एडवर्डा बानिया सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड समझ भी आई हो अगर uh, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो